हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, प्राची इज वर्ल्ड। तो अहमदाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर आ गई हूँ आप सबके साथ। और दिवाली का मौका था, हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद के बहुत ही कूलेस्ट वाइब देने वाली एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट ट्राइटन अहमदाबाद। तो दोस्तों, ग्रीस का मजा लेने के लिए आपको ग्रीस जाने की कोई जरूरत नहीं, और ग्रीक फूड खाने के लिए तो आपको ये रेस्टोरेंट से बेटर रेस्टोरेंट अहमदाबाद में तो कहीं भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली हम दिवाली पे गए थे, दिवाली हमें मनानी नहीं थी इस बार, हमारा मूड भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, बहुत हैवी हैवी सा। तो पिंकू ने बोला कि चलो बाहर डिनर करके ही आ जाते हैं, एटलीस्ट दिवाली सेलिब्रेट भी हो जाएगी छोटी सी, और एक आउटिंग हो जाएगा, और एक नया रेस्टोरेंट हम एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपको रिव्यू दे पाएंगे। तो टेक अ मोमेंट एंड एक्सपीरियंस हाउ ब्यूटिफुल दिस रेस्टोरेंट इज, एंड दिस इज वेरी मेटिकुलसली डिजाइंड, इट गिव्स अस अ सेंटोरिनी ग्रीस वाइब। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये, और हम लोग तो काफ़ी देर तक यहाँ की जो खूबसूरती है ना उसको ही देखते रह गए थे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिलाइटफुल क्यूजींस हैं, प्लस कैफ़े है, आपको एंट्रेंस पे ही एक छोटा सा कैफ़े मिल जाएगा, बाहर बहुत ही अच्छी सिटिंग्स हैं, तो आप जहाँ भी चाहो वहाँ बैठ के इस पूरी जगह का लुत्फ़ उठा सकते हो, और ये बहुत ही बेटर प्लेस है। जाओगे ना तो कुछ अलग ही वाइब मिलेगी, रात को जाओगे तो कुछ अलग ही वाइब मिलेगी। तो मेक श्योर करना कि दोनों टाइम का एक्सपीरियंस आप लेना। हम अभी रात में गए थे, बट हमें एक बार दिन में भी जाना है, क्योंकि बहुत ही सुंदर बाहर बनाया हुआ है, जो आर्किटेक्चर है ना बिल्कुल मैच खाता है ग्रीस से। सो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जो भी बोगनवेलिया और ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है ना, ऑल टुगेदर इट गिव्स ऑल पिंटरेस्टी वाइब। सो दिस इज़ वेरी नाइस रेस्टोरेंट टू एक्सप्लोर इन अहमदाबाद। नहीं हुए हैं इसे जस्ट बने हुए, और बहुत ही बेहतरीन ग्रीक क्यूजिन है, लेबनीज है, तो आप यहाँ पे आके फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो, बट एक ग्रीक ट्विस्ट में। तो अपनी जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके साथ आइए और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जो एम्बियंस है उसको एक्सप्लोर करिए। आपको बहुत ही एंशियंट फ्लेवर मिलेंगे सेंटोरिनी ग्रीस के, तो आप यहाँ पे आओ। और मुझे तो वेट नहीं हो रहा था, मैं काफ़ी टाइम से इस जगह को एक्सप्लोर करना चाह रही थी, और एक बार मैं दिन में भी जाऊँगी तो आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी कि ये दिन में कैसा लगता है। मेरे चैनल के थ्रू आपको ये देखने को मिल रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी जगह अहमदाबाद में भी हैं जिसको आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अभी फेस्टिविटीज़ हैं तो आप डेफिनेटली जाके इन्जॉय कर सकते हो। टाइमिंग की बात करूं तो दिन में दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक खुला होता है। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं एड्रेस भी मेंशन कर दूंगी। सो फुल डिटेल वीडियो है ये, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हमने क्या क्या मंगवाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे मंगवाया यहाँ का फेमस ग्रीक पिज़्ज़ा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एंशियंट फ्लेवर्स थे, और मैं ग्रीस तो गई नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होता होगा कुछ, तो ग्रीस जाने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे आप डेफिनेटली इन्जॉय कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया मील्स, और ये हमस प्लेटर जो कि मशरूम हमस प्लेटर था, दिस इज़ ऑल्सो ऑसम। और हमने मंगवाया हक्का नूडल्स का प्लेटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल एंड डिलीशियस था। तो मस्ट ट्राई डिशेज हैं जो कि हमने मंगवाया यहाँ के शेफ से के रेकमेंडेशन पे, तो ये तीनों डिशेज तो ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ की सुशीज़ भी बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल है, बट मेरे को सुशीज़ उतना पसंद नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, सो मैंने बिल्कुल भी सुशी ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आप यहाँ आते हो तो अगर आप सुशी लवर हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट।
कि यहाँ की बास्क चीज केक जरूर ट्राई करना एंड टाउन फाइनेस्ट डेजर्ट है ये. फॉर सम अमेजिंग फूड एंड इंस्टावर्थी एस्थेटिक्स विजिट सून हियर इनटू द ट्राइटन अहमदाबाद. सी यू सून. बाय.